जब भी मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो पहले लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के, या तो वैसलीन आता है या फिर लिप बाम आता है वो लगा लेना है। उसके बाद अगर आपको आउटलाइन करना है तो आउटलाइन कर लीजिए, आउटलाइनर दीजिएगा उसमें रेड वाला। अगर आपको आउटलाइन करना है तो आप अपने लिप्स का जो भी शेड है उसे एक या दो डार्कर ले सकते हो, या फिर बिल्कुल मैचिंग लीजिए। बहुत ज़्यादा डार्कर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा डार्कर लेने से क्या होता है वो अलग से दिखता है जो बहुत भद्दा लगता है। और कई लोग क्या करते हैं बस प्लेन लाइन बना देते हैं, वो तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो प्लेन लाइन बिल्कुल नहीं बनानी है, मिक्स एंड मैच होना चाहिए लिपस्टिक जब भी लगा रहे हैं। तो मैं इस कलर का ये लिप आउटलाइनर ले रही हूँ, और जो मेरा लिपस्टिक का शेड है वो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, मैच होता हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको आउटलाइन करना है। मेरी जो अपर साइड की लिपस्टिक लिप्स है, लिप्स का जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा पतला नहीं है, तो मुझे इसको चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चौड़ा करना है तो जो आपका ओरिजिनल शेप है उसके जस्ट ऊपर ऊपर आपको आउटलाइन करना है। अगर आपको पतला करना है तो जो आपका ओरिजिनल शेप है उसके अंदर अंदर आउटलाइन करना है। बट मुझे यहाँ पे ना तो पतला करना है ना ही चौड़ा करना है, तो मैं अपना जो ओरिजिनल लाइन है सेम उसके ऊपर ही आउटलाइन कर रही हूँ। दिख रहा है आपको? अब मेरा जो लिप्स है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम में है, बट हमारा जो नीचे का लिखता है वो ऊपर वाले से थोड़ा सा चौड़ा रहता है तो वो अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो ओरिजिनल लाइन है वो यहाँ पे है। ओके, अगर आपको पतला करना है, नीचे का लिप्स कितने लोगों का बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपके ओरिजिनल लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको आउटलाइन करना है, एंड अगर आपको चौड़ा करना है तो थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आउटलाइन करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से चौड़ा करना है। लेकिन मुझे यहाँ से चौड़ा नहीं करना है, मेरा यहाँ से ऑलरेडी चौड़ा है, तो यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरीके से लेके आएंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। एक प्रॉपर सी लाइन बना लेंगे, तो इस तरीके से आपको लाइन बना लेनी है। इसके अंदर अंदर आपको लिपस्टिक भर देना है। इससे पहले मैं एक और टिप्स दे दूँ, जैसे मेरे यहाँ डार्क सर्कल है, अगर मैंने डार्क सर्कल को हाइड नहीं किया एंड डायरेक्ट मेकअप कर दिया तो क्या होगा, मेरा जो मेकअप है वो बाद में ग्रे हो जाएगा एंड ब्लैक हो जाएगा। तो वैसे तो आपको अगर मेकअप करना है आई मेकअप, तो पहले हमको ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना होता है ना। ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपने स्किन से मैच होता हुआ कलर करेक्टर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि मेरा जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाए। सेम इसी तरीके से कई लोगों का लिप्स अराउंड में भी ब्लैक होता है, साइड साइड में भी ब्लैक होता है, और कई लोगों का लिप्स भी ब्लैक होता है। तो इस केसेज में आपको भी सेम वही प्रोसेस करना है जो डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए करते हैं, वो सेम प्रोसेस आपको लिप्स को भी सेम कलर में लाने के लिए करना होता है। अब आपको ये पता करना है कि आपका सेम कलर मतलब आपका जो ओरिजिनल कलर है वो क्या है, जो आपका चिक बोन्स होता है यहाँ पे आपका ओरिजिनल कलर दिखता है। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने हैंड पे देख सकते हो। ओके, तो मेरा यहाँ पे ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर दी। बट आपके पास कोई कस्टमर है या फिर आपका बहुत ज़्यादा डार्क है एरिया लिप्स के अराउंड, तो आप पहले ऑरेंज कलर करेक्टर फिर कंसीलर सेम कलर का अपने फेस के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगे, उसके बाद आपको जो ये मैंने बताया है ये करना है। ओके, तो अब लिपस्टिक लगा ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे हाइड करेंगे, हाइड करके तो मैम ने दिखाया ही नहीं, तो मैं हाइड करके भी दिखा देती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है डार्क सर्कल को कैसे हाइड करें, एकदम नेचुरल तरीके से आपका डार्क सर्कल हाइड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको अपने लिप्स को भी लिप्स के भी ब्लैकनेस को, डार्कनेस को, पिगमेंटेशन को हाइड करना है। जो आपकी लाइन बनी है उसके ऊपर लिपस्टिक को सिंपल तरीके से अप्लाई कर दें। कई लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो ये कोना वाला एरिया छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ना है। ये छोड़ने के बाद से आपका जब आप कुछ खा रहे हो या फिर बात कर रहे हो तो आपका जो लिपस्टिक का शेप है वो बहुत भद्दा लगता है। तो पूरा आपको इस तरीके से कस्टमर को या फिर खुद का लगा दे तो भी इतना मुंह ओपन कराना है।
और इस तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कर लें। तो आई होप कि लिपस्टिक लगाने का तरीका पता चल गया होगा एंड लिपस्टिक के जो जो हैक्स हैं, जैसे होठों को पतला कैसे करें, चौड़ा कैसे करें, ये भी पता चल गया होगा। अब बारी आती है डार्क सर्कल को कैसे हाइड करें। मॉइस्चराइजर आपको दिख रहा होगा फेस कैमरे में भी, तो मॉइस्चराइजर मुझे यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी। कलर करेक्टर नहीं है तो आप ऑरेंज कलर का लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने एलिगेंस का कलर करेक्टर लिया था, कलर करेक्टर तो काफ़ी अच्छा है, बट इसका ये देखो बैक साइड से इसका जो ये है खुला हुआ है सील, तो प्लीज़ मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, फ़्लिपकार्ट वाले थोड़ा सा अपने काम पे, एलिगेंस वाले सॉरी फ़्लिपकार्ट क्या करेंगे, वो तो अपना सामान लाते हैं प्रोडक्ट एंड भेज देते हैं, तो एलिगेंस जो ये कंपनी है एलिगेंस की कंपनी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये पीछे की जो पैकेजिंग है इस पर ध्यान दीजिए। इसका जो भी कलर करेक्टर कंसीलर जो भी मैंने मंगाया है अभी तक ये पीछे से ओपन हो जाता है, आगे बरस में से क्रीम निकलता ही नहीं है। तो इस तरीके से ऑरेंज कलर करेक्टर को मैं अपने आईज़ के ऊपर नीचे इस तरीके से लगा लूँगी एंड इसको ब्लेंड कर देंगे। मैं यहाँ पे फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहो तो वो ले सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। और कई लोग कहते हैं कि मैंने ये लगाया था मेरा तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज हो गया, कई लोग कहते हैं कि मुझे असर ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, मेरा डार्क सर्कल भी हाइड नहीं हुआ, डार्क पिगमेंटेशन भी हाइड नहीं हुआ। तो उसका रीज़न क्या है डियर, जिसका ऑरेंज ऑरेंज या रेड रेस आ जाती है उनका ये रीज़न है कि आपने बहुत ज़्यादा कलर करेक्टर लगा दिया है एंड उसको ब्लेंड नहीं किया। और जिनका हाइड ही नहीं होता है उनका क्या रीज़न है, आपने बिल्कुल कम लगाया, उसमें ब्लेंडिंग भी इतनी ज़्यादा कर दी कि जो आपका प्रोडक्ट था वो तो निकल गया, तो फिर वो कैसे हाइड करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना है एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है, नॉर्मल लगाना है जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसके बाद से अपने फेस से मैच होता हुआ एकदम मैचिंग है, थोड़ा सा डार्क पे चलेगा बट मैं लगा ले रही हूँ इस तरीके से। मैंने एकदम नेचुरल कैमरा रखा हुआ है यहाँ पे ताकि कोई भी ये ना रहे कि फ़िल्टर लगा दिया मैम ने या फिर अच्छे से हाइड नहीं हुआ, फ़िल्टर की वजह से मैम का तो हाइड हो गया था हमारा हाइड ही नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे एकदम नेचुरल कैमरे में बता रही हूँ आपको ताकि आपका भी बिल्कुल अच्छे से हाइड हो जाए, उसमें ब्यूटी ब्लेंडर कह दीजिएगा। यहाँ पे मैं फिंगर से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ और नेक्स्ट वाले दूसरे वाले आइज पे ब्यूटी ब्लेंडर से हाइड करके दिखाऊंगी। तो फिंगर से जो मैंने ब्लेंड किया है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, तो आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप कर दो, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बीच में। अच्छे से हाइड हो गया, जो डार्कनेस है वो हाइड हो गया ना, कहीं दिख रहा है? तो आप देख सकते हो ये वाला मेरा बिल्कुल अच्छे से हाइड हो गया। अब मेरी आईलैशेज वगैरह पे लग गया है, तो इसका हम लोग को काजल या मस्कारे के थ्रू आप अपने लुक को नेचुरल दिखाओगे। मेरा काम था यहाँ पे आपका जो डार्कनेस है उसको कैसे हाइड करना है ये बताना। दूसरी साइड में डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। वाह, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से यूज किया तो इस पर ज़्यादा अच्छे से मेरा ब्लेंड हुआ है ना। तो इस तरीके से ही आपको सेम अपने लिप्स के भी कलर को नेचुरल बनाना है एंड उसके बाद अपना मेकअप अप्लाई करेंगे। तो पहले का जो आपने देखा अभी का देखिए बिल्कुल अलग दिख रहा है एंड मेरा डार्क सर्कल बिल्कुल पास से देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आज का टिप्स आपको पसंद आया हो। हाँ, और आपने ये कर लिया है इसके बाद से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से फेस पाउडर से इसको सेट जरूर करना है, नहीं तो क्या होगा बाद में ये निकलने लग जाएगा या फिर ब्लैक पड़ जाएगा या फिर बहुत ड्राइनेस पैची केकी दिखेगा। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद से सेटिंग स्प्रे जरूर लगाएगा, उसके बाद अब अपना आईलाइनर मस्कारा जो भी अप्लाई करना है वो कीजिएगा, सेटिंग स्प्रे दीजिएगा कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये मेरा सेटिंग स्प्रे है, इसको या तो आप चाहो तो डायरेक्ट आँख पे लगा सकते हो बट हो सकता है कि आईज में चला जाए, तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लेना है एंड टैप 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 टैप। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हो गया मेकअप, जब तक आप खुद से नहीं निकालोगे ये नहीं निकलेगा और बिल्कुल नेचुरल लुक देता है।
और ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, लैक्मे 9 to 5 का है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, देखिए ये वाला हमारा ख़त्म हो गया, सेकंड वाला भी ख़त्म होने वाला है। ये मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, लैक्मे 9 to 5 का फेस पाउडर। और आजकल जो ट्रेंडिंग आईलाइनर चल रहे हैं, कैसे लगाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, लिपस्टिक हैक्स टिप्स एंड डार्क सर्कल पिगमेंटेशन हाइड को, पिगमेंटेशन को कैसे हाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।